सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों अप्रैल सन 1912 में टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा इंग्लैंड से अमेरिका के बीच में शुरू की थी। उस समय टाइटैनिक में करीब 2224 लोग यात्रा कर रहे थे और जहाज डूबने के कारण उन 2224 लोगों में से 1517 लोगों की मौत हो जाती है। और इंसान जो कहते थे कि अगर परमेश्वर भी उतर आए तो इस जहाज को नहीं डुबा पाएगा, उनका घमंड कुछ ही घंटों में चूर चूर हो जाता है। इन्हीं 2224 लोगों के बीच में एक ऐसे व्यक्ति भी था जिसने मरते दम तक टाइटैनिक के लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और यीशु के द्वारा आने वाले उद्धार के बारे में उनको बताया, और उस शख्स का नाम था पास्टर जॉन हार्पर। अधिकतर लोग टाइटैनिक की स्टोरी में इस महान परमेश्वर के दास को भूल जाते हैं, लेकिन पास्टर जॉन हार्पर की स्टोरी के बिना टाइटैनिक की कहानी हमेशा अधूरी है। पास्टर जॉन हार्पर को इंग्लैंड में एक कैरिस्मेटिक प्रीचर के रूप में जाना जाता था और उनके सामर्थ्य प्रचार की वजह से उन्हें अलग अलग जगह इनवाइट किया जाता था। सन 1912 में पास्टर हार्पर को शिकागो के मूडी चर्च में प्रचार करने के लिए इनवाइट किया गया था, और पास्टर हार्पर ने इंग्लैंड से अमेरिका जाने के लिए टाइटैनिक का टिकट खरीद लिया। टाइटैनिक उस समय का मनुष्य के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा जहाज था और दुनिया के सबसे अमीर लोग उसमें यात्रा कर रहे थे। टाइटैनिक की यात्रा के दौरान बिजनेसमैन तो बिजनेस डील की बातें कर रहे थे, कुछ लोग टाइटैनिक की सुंदरता देख रहे थे, कुछ शराब पी रहे थे, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि पास्टर हार्पर उस समय भी लोगों के पास जा जाकर उन्हें यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे। जो लोग टाइटैनिक की दुर्घटना में बचे थे उनका कहना है कि उन्होंने पास्टर हार्पर को हमेशा लोगों से यीशु के बारे में बात करते ही सुना था। रात 11:45 पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया और देखते ही देखते जहाज पानी में समाता चला गया और यात्रियों में भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाना चाहता था। जब पास्टर जॉन हार्पर को इस बात के बारे में पता चला तब उन्होंने अपनी 6 साल की बेटी को नींद से उठाया और उसे एक लाइफ बोट में छोड़ दिया ताकि उसकी जान बच सके। जैसे जैसे जहाज पानी में डूबता जा रहा था वैसे वैसे बड़ी ही तेजी से पास्टर जॉन हार्पर भी डरे हुए लोगों को यीशु के साथ मिलने वाले अनंत जीवन के बारे में प्रचार करने लगे और कह रहे थे कि यदि आज मरने से पहले भी आप यीशु को अपने जीवन में स्वीकारते हैं, उसे अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, तो आज ही आप स्वर्ग में होंगे। और जब जहाज बिल्कुल डूबने वाला था उस समय भी वो जहाज के सबसे ऊपर हिस्से में जाकर घुटनों पर आकर प्रार्थना करने लगे, और करीब 3 घंटे बाद जहाज पूरी तरह पानी में समा गया और उस समय पानी का तापमान -2 डिग्री था। जहाज डूब जाने के बाद पास्टर हार्पर और दूसरे अनेकों लोग लाइफ जैकेट की वजह से तैर रहे थे, और उसी समय पास्टर हार्पर ने एक जवान को देखा जिसके पास लाइफ जैकेट नहीं थी। वो एक लकड़ी के सहारे तैर रहा था और पास्टर हार्पर फटाफट उस व्यक्ति के पास गए और उससे पूछा, हे यंग मैन, क्या तुम यीशु को जानते हो? और उस जवान ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जानता। और इतना सुनकर पास्टर हार्पर ने अपनी जैकेट उतारकर इस जवान लड़के को दे दी और जवान ने पूछा, आप यह लाइफ जैकेट मुझे क्यों दे रहे हैं? और पास्टर हार्पर ने कहा, क्योंकि मैं तो यीशु को जानता हूँ, अगर आज मैं मर भी गया तो मैं स्वर्ग में यीशु के पास जाऊँगा, लेकिन तुम्हें अभी यीशु को जानने की ज़रूरत है। और फिर उन्होंने तैरते हुए चिल्ला चिल्लाकर रो रो कर लोगों से यीशु पर विश्वास करने की रिक्वेस्ट की और अंत में सभी के लिए प्रार्थना भी की। और कुछ समय बाद वो डूबने लगे और उस बर्फीले पानी ने पास्टर हार्पर को डुबा दिया और उनकी मौत हो गई। मरते दम तक भी उनके होठों पे सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम था। दोस्तों ऐसा होता है उनका जीवन जो मसीह के प्रति वफादार है और पूरे कमिटेड है। ऐसे लोग चले भी जाएं लेकिन फिर भी उनका नाम हमेशा बना रहता है। जैसे आज 20 सालों बीत गए हैं टाइटैनिक की घटना को, लेकिन पास्टर जॉन हार्पर के जीवन को आज भी याद किया जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। बाइबल और मसीहत पर आधारित और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों